आज हम सीखते हैं सुबह के भागदौड़ में जल्दी बनने वाली बीन्स और मूंगफली की सब्जी। बीन्स बनाने के लिए मैंने लिया है 1 पाव बीन्स, हरी बीन्स, जिसे मैंने धोकर काट लिया है 250 ग्राम्स। 2 टमाटर, अगर आपको खट्टा कम पसंद है तो आप 1.5 टमाटर भी ले सकते हैं। 1 हरी मिर्च, 4 लहसुन, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, हींग 1 चुटकी और आधी कटोरी मूंगफली। आधी कटोरी मूंगफली मीडियम आंच में आप गैस पे रख दें और इसे कंटिन्यू चलाते रहें। और ये देखिए, हमारी मूंगफली रेडी हो गई है। इससे अब छिलके अलग हो रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी मूंगफली भून चुकी है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा करने रख दें। मूंगफली को ऐसा पूरा क्रश कर लें और इसके बाद इसका छिलका अलग करके इसे मिक्सर में थोड़ा दरदरा पीस लें। ज़्यादा देर तक के लिए मिक्सर ना घुमाएं। ये देखिए आप, इसके छिलके बिल्कुल अलग हो जा रहे हैं। अब आप इसे इजिली मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसे दरदरा पीसना है तो आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए मिक्सर घुमाइए और बंद कर दीजिए। ये देखिए, इसे मैंने सिर्फ 3 सेकंड ही चलाया है और ऐसे ही चाहिए हमें, थोड़ा सा दरदरा रहे, एकदम बारीक ना रहे। अगर आपको ये सब्जी जल्दी बनानी है तो आप कुकर में थोड़ा सा पानी रख दें, उसके ऊपर एक बर्तन में बीन्स रख दें और फिर इसे सिर्फ 1 सीटी के लिए पकाएं। याद रखिए, 1 से ज़्यादा सीटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा। हमें जब सब्जी सुबह जल्दी बनानी होती है, ऑफिस जाना रहता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, ये बीन्स की सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। कुकर की सीटी हो गई है और अब हम देखते हैं हमारे बीन्स पक गए हैं कि नहीं। यस, ये पूरे पक गए हैं। अब हम इसे तड़का दे देते हैं। कढ़ाई में आप डालें थोड़ा सा तेल, फ्लेम को मीडियम रखें, फिर इसमें डालें हींग, जीरा। जीरा जैसे ही क्रैकल होना स्टार्ट हो जाए, मैंने लहसुन को बारीक काट लिया था, लहसुन डाल दें। हरी मिर्च को मैंने 2 टुकड़े कर लिए थे, आप अच्छे से चलाते रहें। लहसुन को थोड़ा ब्राउन कर लें। लहसुन हमारा थोड़ा सा पक गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। मैंने 2 टमाटर की जगह 1.5 टमाटर ही लिया था, मुझे सब्जी के अकॉर्डिंग टमाटर थोड़े से 2 टमाटर थोड़े ज़्यादा लगे। टमाटर डालने के बाद हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और इसे ढककर थोड़ी देर टमाटर गलने तक आप पका लें, क्योंकि हमारी सब्जी पहले ही पक चुकी है, हमें टमाटर को अच्छे से पका लेना है। इस तरह आप इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने दें। टमाटर अच्छे से गल गए हैं, अब हम हमारी उबली हुई सब्जी डाल देते हैं और डालने के बाद इसे अच्छे से टमाटर के साथ आप मिक्स कर लें। बीन्स डालने के बाद 5 मिनट और ढककर इसे पकाएं ताकि बीन्स में पूरे मसालों का फ्लेवर आ जाए। आइए हम ढक्कन खोल के देखते हैं। हाँ, हमारी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें अब डाल दें गरम मसाला और जो मूंगफली हमने पीस के रखी हुई थी, 2 बड़े चम्मच। अगर आपको मूंगफली ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे बच्चे को भी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने 3 चम्मच डाला है। और फिर इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। लास्ट में आप थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दें इसमें, जिससे इसका फ्लेवर भी इन्हेंस होता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी सब्जी रेडी हो गई। गैस बंद कर दें और इसे गर्मा गर्म रोटियों के साथ सर्व करें।
आपको ये सब्जी कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।